जय माता जी। इस मंत्र को आप लोग भली भांति जानते होंगे और कई बार इस मंत्र का या इससे संपुट मंत्र का आपने प्रयोग भी किया होगा, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है। मुझे कई बार लोगों की कंप्लेंट आती है कि हमें सफलता नहीं मिली, कारण क्या है? इसके कई कारण होते हैं मित्रों। देखिए, ये संभव ही नहीं है कि आप मंत्र का जाप करें उसका रिजल्ट ना आए, लेकिन आवश्यकता होती है कि क्या आपने मंत्र का सही तरह से जाप किया, क्या वो एक्टिवेशन एनर्जी या जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वो एक्टिवेट हुई। आप साधारणतः एक उदाहरण समझिए, एक रॉकेट जब हम फायर करते हैं ज़मीन से, वो क्यों धरती के बाहर नहीं जाता है? क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं किस रॉकेट की बात करता हूँ? दिवाली के जो फटाके वाले रॉकेट होते हैं, वो एक ऊपर तक जाएगा और उसके बाद फूट जाएगा। लेकिन वही जो वैज्ञानिक लोग रॉकेट भेजते हैं वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसमें उतनी ऊर्जा दी जाती है कि वो बाहर निकल सके। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी मंत्र के जाप में सफलता तभी हासिल करेंगे जब उसमें जो आवश्यक ऊर्जा की है वो आप दे सकें। अब वो आप कैसे देंगे वो हम आपको बताएंगे। इस समय हम बात कर रहे हैं दुर्गा मंत्र की। माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति जो इस ब्रह्मांड में स्थापित हुई, अर्थात दूसरे रूप में कहा जाए तो इस ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं सब दुर्गा के ही रूप हैं। 52 शक्तिपीठ भी दुर्गा के ही रूप है। और माँ दुर्गा का मंत्र बहुत ही छोटा सा है, ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। कई लोग कहते हैं ओम दुम दुर्गाय नमः, वो भी सही मंत्र है, लेकिन रीम का बीज मंत्र डालने से यह हो जाता है माया बीज दुर्गा मंत्र, अर्थात आपकी बाधाओं का शमन करने वाला। इस मंत्र के जाप और अनुष्ठान से आपको विजय मिलती है, आपका रोग नाश होता है, आपको सफलता प्राप्त होती है। इसका अनुष्ठान आप किसी भी दुर्गा मंदिर में कर सकते हैं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं माता रानी की फ़ोटो के सामने। अनुष्ठान आरंभ आप किसी भी शुभ समय पर ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली जैसे त्यौहार हो गए, या फिर ग्रहण काल हो गया, या फिर पूर्णिमा। अगर बाधा निवारण के लिए करना है तो आप किसी शुभ दिन रात्रि के समय भी कर सकते हैं, अमावस्या भी चल जाएगी। मंत्र के अनुष्ठान के समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक जलना आवश्यक है। बाधा निवारण के लिए सरसों के तेल का दीपक, धन लाभ के लिए घी का या तिल के तेल का दीपक। इसके पश्चात आप माता रानी से संकल्प अवश्य करें कि किस उद्देश्य से आप जाप या अनुष्ठान कर रहे हैं। उसके बाद आप ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः का जाप आरंभ करें। अब जब आपने संकल्प लिया तो आपको पता है को कितने जाप करने हैं। अगर आपको 11,000 जाप करने तो आप 11,000 जाप का संकल्प ले लें, 21,000 का ले लें, 51,000 ले लें, या 1,25,000 ले लें, या 3,00,000 ले लें। ये आपकी अनुष्ठान करने की क्षमता और आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगर आपकी समस्या बड़ी है तो आपको जाप संख्या बढ़ानी पड़ेगी। समय निर्धारित करें। सुबह का समय अति उत्तम होता है, प्रातःकाल 5 बजे। उसके पश्चात आप जाप आरंभ करें। रुद्राक्ष की माला सबसे शुभ पाई गई है इन जाप के लिए। सामने दीपक जलता रहेगा, आपने अनुष्ठान आरंभ कर दिया। माता रानी को आपने भोग चढ़ा दिया अर्थात प्रसाद और आरंभ किया। जाप का समय और जाप की संख्या नित्य सेम रखें, इस बात का भी ध्यान रखना है। और हो सके तो हवन अवश्य दें, लेकिन डेली आप हवन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, लेकिन अंतिम दिन दशांश हवन का विधान। जैसे अगर आपने 11,000 मंत्र जाप किया है तो उसका दशांश हवन हो गया 1100, अर्थात 11 माला आपको हवन करना है। हवन में आपको हवन सामग्री साथ ही साथ घी, अगर बाधा नाश करना है तो सरसों के तेल का हवन होगा अर्थात हल्का सा कड़वा हवन। माँ दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जो
हर तरह के बाधाओं को दूर कर सकती है। लेकिन हवन आवश्यक है मित्रों। कई बार आप कहते हैं हमने जाप किया, हवन तो किया ही नहीं, लेकिन तो रिजल्ट कम हो जाता। हवन अर्थात अब उन्हें भोग दे रहे हैं, इससे माता रानी प्रसन्न होती है या उनके गण प्रसन्न होते हैं। एक चीज और, जब भी आप हवन दें तब आप आपके इष्ट देव, आपकी कुल देवी कुल देवता और आपके स्थान देवता और दिक्पाल, इनको हवन देना ना भूले, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इस मंत्र जाप की अवधि में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है और किसी को कोई तकलीफ नहीं देनी। मित्रों, ये एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, इसका प्रयोग हमने खुद कई बार किया हुआ है, लेकिन इसका कभी दुरुपयोग ना करें। किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी मंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंत्रों का प्रयोग केवल खुद की रक्षा, खुद की सुरक्षा और अपने स्वतः के सहयोग के लिए ही करना चाहिए। जय माता दी।